नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयनंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं आप लोगों के लिए टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा डीआर वाई टी क्रिएटर, जहाँ मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल डालता हूँ। अगर आप लोग नवीन हमारे डीआर वाई टी क्रिएटर और डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल बनाऊँ, जिसके अंदर देखेंगे कि हम गूगल क्रोम ब्राउजर जब कभी भी यूज करते हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री सेव होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी हिस्ट्री जो सेव होती है, इसका स्टॉप कर दूँ, ताकि मैं इसके अंदर कुछ भी काम करूँ तो इसकी हिस्ट्री वगैरह सेव ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अगर मान लीजिए गूगल खोला, फिर मैंने ट्विटर खोला, फिर मैंने फेसबुक खोला, तो इसकी हिस्ट्री ना एक सेव सेव होती है। इसकी हिस्ट्री यहाँ पे आती है, आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री आ गई ना। इसको हमें ना यहाँ से डिलीट करना पड़ता है, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री ना सेव ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग करके आप कर सकते हैं, ताकि आप गूगल क्रोम के अंदर कुछ भी काम करेंगे तो उसकी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने माई कंप्यूटर खोलना है, विंडो 10 के अंदर दिस पीसी होता है। उसके बाद एक पाथ है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस पाथ के अंदर जाना है। पहले आपको सी में जाना है, ये सी ड्राइव आ गया। उसके बाद है यूजर नेम, यूजर यूजर ये होता है। उसके बाद है यूजर नेम, यूजर नेम जैसे कि मान लीजिए हमारा है यूजर नेम डी आर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आ रहा है। वैसे आपका भी कुछ ना कुछ कंप्यूटर नेम या यूजर नेम होगा, तो आप देख लें कि आपका यूजर नेम क्या है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा डी आर टेक्नोलॉजी है, आपका भी होगा। तो मैं डी आर टेक्नोलॉजी के अंदर जाऊँगा। उसके बाद जाना है हमें एप्स डाटा। एप्स डाटा इसके अंदर आपको तभी दिखेगा जब आप विंडो के अंदर हिडन फाइल या हिडन फोल्डर को ओपन करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा आपको ऐप डाटा, ऐप डाटा पे आ गए। उसके बाद लोकल, इसके बाद गूगल, गूगल जी दबा देते हैं, गूगल के अंदर आ गए। उसके बाद क्रोम, इसके बाद यूजर डाटा, इसके बाद डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर हमें ढूंढना है हिस्ट्री, इसे दबाएंगे। डिफॉल्ट के अंदर हम दबाएंगे एच, ये हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री पे हम करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, रीड ओनली, अप्लाई, ओके। ठीक है, इस पाथ को ध्यान रख ले, ठीक है। ये पाथ होता है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है ना, इसकी जगह आपके अपने कंप्यूटर का यूजर नेम होना चाहिए। और ये हेडर आइटम को आपको ऑन करना है, डू में जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब चलिए आपको हम गूगल क्रोम खोलते हैं। ये मैंने क्रोम ओपन किया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम करूँगी इसकी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होगी। ये आपका गूगल ओपन हो रहा है, ये मैंने ट्विटर खोला और ये मैंने फेसबुक खोला। मैं अपनी ट्विटर प्रोफाइल खोलता हूँ पेज, ये मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोलता हूँ अपनी, ठीक है। अब हम इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। यहाँ पे गए, हिस्ट्री में गए, देख सकते हैं इसकी कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं हो रही। ये पहले की हिस्ट्री आ रही है, अभी की हिस्ट्री इसकी कुछ भी सेव नहीं हो रहा, ठीक है। आप कुछ भी काम कीजिए, इसकी हिस्ट्री वगैरह कुछ भी आपको सेव नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप गूगल क्रोम का अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ताकि उसकी हिस्ट्री वगैरह सेव ना हो। सिंपल सा तरीका है, आप इसको कर सकते हो। अभी मैंने याहू खोला है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, देखिए याहू भी नहीं आ रहा, ठीक है। और रही बात, इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट में पूछिएगा, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। बट जल्दी चाहते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे डीआर टेक्नोलॉजी को और डीआर वाई टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए।